Hello, everybody. How are you? Give me 1 second. I just got to do something really quick here. And we will go on with our show. Welcome, everyone. How are you? Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel. This is my Facebook page. अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे Facebook पे देख रहे हैं. जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए. यार कर दो ना, काम क्यों नहीं कर रहे. जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए अगर जिस पेज पे आप मुझको देख रहे हैं. और हम अभी अपने गेस्ट को बुलाने वाले हैं. लेट मी जस्ट सेंड हिम द लिंक, तो वो हमको ज्वाइन करेंगे फिर. आई एम सॉरी कि हम थोड़ा सा लेट हैं, एंड इट्स माई फॉल्ट. इट्स ऑलवेज माई फॉल्ट जब लेट होते हैं, तो ये हमेशा मेरी गलती होती है. क्योंकि महलीज जो है वो आज महलीज ने मुंह धोकर नहीं आ गई. सिर्फ मैंने कहा कि थोड़ा तैयार होकर आना चाहिए ना. हैंग ऑन, एसी चल रहा है, चुप हो गया. थोड़ी देर में मुझे गर्मी लगनी शुरू हो जानी है. कोई हाल नहीं है मेरा. सो हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग, क्या हाल है. कल लाइव नहीं हुई थी, आप कल इतनी देर तो मैं लाइव थी यार. Anyways, guys, I do have a guest with me today that we're going to be talking with. So Jesse Tessin, humko join karenge. And then we will go on. Main Instagram pe bhi live ja rahi hu kyunki hum logon ne decide kiya tha ki hum log Instagram pe live jayenge. Magar kyunki aajkal Instagram jo hai na, wo pata nahi ajeeb sa chal raha hai. Aur show kar lo और उसके बाद वो सेव नहीं करता है. यू नो द अदर डे मेरी एक अच्छी खासी ब्रॉडकास्ट डिलीट हो गई इसी चक्कर में. तो मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रही हूँ और इंस्टाग्राम से लोगों को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है ना. हेलो, वेलकम एवरीवन. देखो इंस्टाग्राम पे क्या क्या कैमरा है मेरे फोन का. सो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, आई नो हिम बिकॉज ही इज बीन ऑन माई फेसबुक. वो मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं काफी अरसे से, और मैं उनकी जब स्टोरीज वगैरह देख रही होती हूँ तो ही इज ऑलवेज यानी किसी ना किसी महफिल में होते हैं और वो खुशी कर रहे होते हैं लोगों को. बिकॉज ही हैज सच एन अमेजिंग वॉइस. सो आई विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई वांट टू ब्रिंग हिम ऑन द शो. तहसीन इज हियर विद अस. हिज नेम इज तहसीन एंड जस्ट बेयर विद मी क्योंकि हाय. हेलो हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू. ओके, जो लोग इंस्टाग्राम पे, I'm sorry, एक सेकंड. जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आई नो कि यहाँ पर हम लोगों ने करना था शो, मगर इंस्टाग्राम इज एक्टिंग इफी. तो मेरे फेसबुक पेज पर आ जाइए, यहाँ पर आपको तहसीन भी दिखेंगे और मैं भी दिखूंगी साथ में. ओके, बट आई विल कीप दिस लाइव फॉर नाउ. सो हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू इन द लॉकडाउन? या इट्स ऑल गुड, अमेजिंग. यू नो जैसा कि आप देख रही हैं मेरी स्टोरीज, लॉकडाउन के बावजूद आई एम एंजॉयिंग, यू नो, पार्टीज ऑन. नहीं हो रही है, मतलब प्रिकॉशंस हैं, मगर पार्टी नहीं रुकनी चाहिए. पार्टी इज ऑन, वो नहीं रुकेगी. हाँ तो सबकी पार्टी रुक गई है, बट मेरे जो सामने नेबर्स रहते हैं ना, ये लोग सारे आपस में पार्टी करते रहते हैं हर वक्त. ओके, तो टू स्टार्ट विद I want you to introduce yourself. आप थोड़ा अपने बारे में बताएं लोगों को कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं. I'm Tehsin, as Malik said, I'm Tehsin Wajahat, and by profession I'm an actor and musician, and teacher. I'm teaching music and theater. तो अभी आजकल क्या है? अभी यासीनों के स्कूल्स तो एंड यूनिवर्सिटीज तो बंद है, तो टीचिंग का तो कोई सीन ही नहीं है. तो अदर देन आई हैव माय पेज, क्या कहते हैं, ऑफिशियल पेज, इट्स कॉल्ड ये बात के नाम से. पीपल कैन यू नो जॉइन माय पेज, जिस पे वायरल वीडियोस करता हूँ. और इंस्टाग्राम पे आई डू सिंगिंग, मतलब सेशंस, लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल दैट. तो बाय प्रोफेशन यू कैन से आई एम एन आर्टिस्ट. आर्ट जितने ज्यादा नहीं किए, बट मोस्टली क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट ड्रामास के बैकग्राउंड स्कोर्स आई कंपोज और गाए भी हैं, जिसमें कुछ कवर्स भी हैं जो मैं करता हूँ.
अपने सॉन्ग्स भी हैं जो मैं गाता हूँ, जो मेरे पेज पे हैं भी, और मोस्टली कवर्स हैं, कवर्स में करता हूँ जिनको। अच्छा, कवर्स में भी यू ऑलवेज डू कवर्स अकॉर्डिंग टू जितनी आपके सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी या जो है उसके अकॉर्डिंगली अपना कवर में, हमेशा मैं समझता हूँ कि अपना कुछ ऐड करके कवर करना चाहिए। एग्जैक्ट मैं कवर नहीं करता, यू नो आई डू थोड़ा सा चेंजेस करके अपना स्टाइल, अपना अंदाज और तरीका डाल के मैं कवर्स करता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आप एक्टिंग भी करते हो, कोई ऐसे हाँ आई शो थिंक ड्रामे बिल्कुल, हमने देखे हो जिसमें आप आए हो? हाँ ड्रामे हैं काफी, बट इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग, आई जस्ट क्विट, यू नो क्योंकि पैसे ना मिलना और डिले करना और चेक बन के पड़े रहना और उनका ना देना, तो समहाउ मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया ड्रामास वगैरह से, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा बाहर में गोली मारो, तो आई जस्ट स्टार्टेड माई ओन चैनल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक, तो उसपे जितना भी तड़प है एक्टिंग की वो उसमें मैं निकालता हूँ। अब विद माय अदर ग्रुप मेंबर्स हम सारे वायरल वीडियोस करते हैं और उसी पे मजा आता है बस। अच्छा, आगे क्वेश्चंस हम करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर हैं तो जरा थोड़े से कोई गाना अगर आप सुना दें लोगों को, फिर हाँ बेशक, हम आगे आप बताएं, क्वेश्चंस और करते हैं। आप बताएं, मैरिज टेल मी योर फेवरेट एनी सॉन्ग, योर फेवरेट सॉन्ग, मेरे पता बहुत एनी सारे फेवरेट इंडियन। सॉन्ग्स हैं, आप कोई अपनी तरफ से मेरे। अच्छा नूर जहां का एक गाइस बहुत अच्छा इंस्टाग्राम सॉन्ग वाले है। हम जी अच्छा आप मे बी आई कांट सी द कमेंट्स है ना, आप ओनली यू कैन सी द कमेंट्स एंड ऑल, राइट? ऐसे ही है। कमेंट्स इग्नोर ही करें ज्यादा बेहतर बिल्कुल, है मेरे पेज पे। वो आई नो आई नो आई नो आई नो। अच्छा नूरजहां का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है नियत ए शौक, विच इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो आई होप पसंद आएगा। नियत She's my favorite artist too. ए शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आरज़ू थी कि तू यहाँ आए, आरज़ू थी कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर ना जाए कहीं, और फिर उम्र भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह,
See, मैंने कहा था ना, he has the most amazing voice. और like these kind I don't of know what they are actually saying. जब तक feelings नहीं आती है ना ऐसे songs में, तब तक song का वो मजा नहीं आता है ना. Exactly ऐसे, exactly ऐसे. तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपने शेयर किया था ना कि आप मेरे साथ इंटरव्यू पे आ रहे हो, तो एक बंदे ने मुझे पूछा था, ये तो बड़ी गंदी बातें करती हैं. सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, काफी लोग होते हैं वो बात करते हुए घबराते हैं, राइट, डरते हैं. थोड़े बहुत लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है, मगर हम डरते हैं. Exactly. So, what were your thoughts when I asked you that you want to come do an interview? Do you think you were a little scared, a little hesitant? Can I do it or not? What are your feelings? I was. Trust me, I was excited, and I was hell up for it. Ke haan, theek hai. You know what? I've been following you since quite long, Mahesh. From Snapchat to Facebook till Instagram, you know. So, but I like your without any hesitation, you just say what you actually think and what you actually try to say. जो भी बकवास याद करते हैं, you know, लोग रोक नहीं सकते. Everybody has their own good or shitty point, but the way you handle people, I love that. ठीक है, और मुझे बहुत पसंद है the way you gave your solid point of view आवाम को. तो I was, trust me, मुझे बिल्कुल कोई attention नहीं थी, ना मुझे कोई खौफ था. I was excited and I was held in a good state. अच्छा है, क्योंकि you treat people exactly जैसे वो होते हैं उसी तरह you treat people. That's what I just, you know. The best thing about you, okay, you treat exactly जो जिस तरह है, जो जिस तरह की बात करेगा उसको, चाहे वो कड़वा है या मीठा है या जैसा, you know. हाँ, काफी लोग कहते हैं आप इग्नोर कर दो, ये कर दो. मैं काफी कितने सालों से इग्नोर ही कर रही हूँ, मगर अब वो इग्नोर करने वाला वक्त आई थिंक चला गया है. और कोई भी इनमें से अगर किसी की माँ बहन को कोई गाली दे, नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली देंगे तो थप्पड़ मारेंगे, यू नो. So, अब हम थोड़ा सा जरा इश्यूज जो हैं पाकिस्तान की, तो वुमेन और इन चीजों पे हम आते हैं कि मीडिया से तो आपका भी ताल्लुक है. हाँ, एक मीडिया तो आप भी छोड़ चुके हो, हमें पता है क्यों, यू नो. सो आप बिल्कुल चाहोगे पाकिस्तान मीडिया के बारे में कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए. आवाज ब्रेक हो रही है. अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान मीडिया में आवाज अब आ रही है, सही? ठीक है. पाकिस्तान मीडिया में आप क्या समझते हो कि किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? पाकिस्तानी मीडिया में इम्प्रूवमेंट सबसे एकदम जो बहुत बेसिक चीज है जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, दैट इज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ. स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट स्टीरियोटाइप से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वी आर स्टक, यू नो. स्टीरियोटाइप्स एक ही तरह के, सास बहू चीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और एक ही फॉर्मेट पे सारे ड्रामा ये बनाते जा रहे हैं. अब उस पे बस ये है कि हम सारे जियो पे डाल देते हैं. आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं, दे नो नथिंग, ट्रस्ट मी, दे नो नथिंग. मुझे याद है जब मैं कर रहा था, अभी भी आई डिड कमर्शियल्स, मैंने किए एक दो कमर्शियल्स, का सीन इंटायरली डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू ये ड्रामास वगैरह ना. तो कमर्शियल इज गुड, पाकिस्तान में कमर्शियल का सीन है, कमर्शियल पे पैसे भी बहुत लगते हैं और कमर्शियल में, यू नो. तो सिर्फ मसला ये है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सेकेंडली डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज द मोस्ट, यू नो, डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ, मतलब ऑफ द शिप, जो चला रहा है वो कैप्टन नहीं चला रहा है. तो जब कैप्टन को ही क्लियर नहीं होगी चीजें, तो
और यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन नहीं है कि कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर दिया गया किसी को तो उस कैरेक्टर का पूरी बायोग्राफी है, उसका पूरा पूरी हिस्ट्री है, उस कैरेक्टर को बताना चाहिए कि आप ये हैं, आपकी फैमिली ये थी, आप में इतना एंगर है, आप इतने खुश हैं, ताकि वो आप एक, आई एम नॉट सेइंग कि मेथड एक्टर बनना है किसी ने, बट समहाउ फॉर सम रीजन ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई नहीं बताता, फिर मुझे याद है मैंने एक बार एक डायरेक्टर से पूछा, स्क्रिप्ट मिला तो आई आस्क हिम के इस ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ इसकी एज क्या है। ही वाज लाइक व्हाट द फक, व्हाट एज, आई मीन यू जस्ट हैव टू डू दिस कैरेक्टर। मैं कहा ठीक है वो मैं करूंगा, इसकी एज क्या है, ये कितना, इसकी आदतें क्या हैं, इसको गुस्सा किस बात पे आता है। तो ही वाज मतलब वो ही वाज लिटरली शॉक्ड एंड ही वाज स्टेयरिंग माय फेस, मतलब ही वाज लाइक यार तुम इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो, तुम बस ये एक्टर है ठीक है, ये इतना अमीर है इतना गरीब है, बस जस्ट डू इट। तो यहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये टर्किश जो है आपने देखा उर्दगुल बड़ा फेमस हुआ हुआ है, और भी काफी सारे ड्रामास हैं जिनकी वजह से इनकी पैक हुई भी है कि ये ड्रामास क्यों ले आए हैं। अब उनकी पैक इतनी पैक हुई भी है कि उनको काम पता नहीं मिलने का खतरा है। अब वो उसमें प्रोडक्शन वैल्यू, उसमें सब कुछ, हाँ, उसमें यानी पैसा इतना लगाया है उसमें, पहली बात तो ये, हर डिटेल पे उस पे वो की है। चलो, डायरेक्शन तो एक बात है जो मैंने बहुत मेरी एग्जैक्टली देखा था यहाँ मीडिया में। पे पेमेंट पेमेंट नहीं करते, साल साल के बाद पेमेंट हाँ मिली पेमेंट नहीं करते, वो भी पीछे पड़ पड़ पेमेंट के नहीं करते, देकर एआरवाई को कि मैं सू करूंगी, जाकर एक साल बाद मुझे बिल्कुल मिले थे। ये क्यों है ऐसा? हाँ क्योंकि पेमेंट नहीं करते ना। पैसे मिल जाते हैं, ये तो शो चला देते हैं, अपना पैसे बना लेते हैं, ये आगे आर्टिस्ट को पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? बिल्कुल आर्टिस्ट को पैसे, जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये उस आर्टिस्ट को पैसे देते हैं जो आर्टिस्ट इनकी बजा वहीं पे, ट्रस्ट मी, ये उस आर्टिस्ट को पे करते हैं जो उनको जलील कर देता है, उसको पैसे मिलते हैं। और वाकई मैंने खुद देखा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा उस मैंने एक ड्रामा किया सीनियर एक्टर थे, मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब वो मुझे याद है सेट बैठे में तो ही कॉल्ड प्रोड्यूसर ना कि हाँ क्या सीन है, मेरी पेमेंट जो 50% होनी थी वो क्यों नहीं हुई अभी तक। तो कहते सर अभी हो जाती है, आप ये मैं बात आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक, यू नो। तो ही सर कि मेरी पेमेंट अभी तक हुई नहीं, 50% की बात हुई थी, कह रहे सर वो हो जाएगी। ही लिटरली सेड जस्ट फक ऑफ, मैं जा रहा हूँ, जब पेमेंट अरेंज हो जाए जस्ट कॉल मी, मैं 1 मिनट के बाद सेट पे होऊंगा, यू नो। तो उनको वक्त मुसीबत पड़ी, शेट नहीं, हम अभी कुछ करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक कैमरा रोल ही नहीं हुआ महलीज, जब तक वो पेमेंट नहीं आई, पेमेंट आई, उसने पैसे लिए और फिर कैमरा रोल हुआ, फिर सीन स्टार्ट हुआ। तो जो लोग बगैर उसके लिए, इस तरह का एक्ट करने के लिए यू मस्ट नो कि आपकी वर्थ है मीडिया में, यानी कि आपका जो लेवल है और जो आपकी जरूरत है उनको, वो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ये हरकत करेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आपकी बात मान, मतलब अगर कोई अननोन जो अभी बिल्कुल यू नो रिसेंटली अभी जिसने स्टार्ट किया हो, अभी बिल्कुल उसका बिल्कुल बिगिनिंग हो, अगर वो ही हरकत करेगा तो उसको तो वो चपेड़े मार आएंगे, हाँ, निकल जाओ भाई नहीं चाहिए तो तुम। पर इस तरीके से बहुत से नए टैलेंटेड लोग आते हैं जो फिर अब्यूज भी होते हैं ना, क्योंकि उनको इस्तेमाल किया जाता है, पैसे देते नहीं है, एंड बिल्कुल हाँ थ्रो देम आउट। बिल्कुल बिल्कुल सो विच आई थिंक इज नॉट प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ पर आप काम करो यार, आपको ऐसे ही है, 2-3 हफ्ते तक जो है ना चेक मिल ही जाता है, ऐसे नहीं होता कि सालों महीनों वेट करना पड़ता है। अच्छा, तो अब हम वाह आते हैं, बिल्कुल आप पूछना चाहूंगा, बिल्कुल व्हाट इज योर थॉट अबाउट ये मीडिया के बारे में, आजकल जो बातें चल रही हैं उज्मा खान के उस हिसाब से, आपको पहले ये बताइए कि आपको उस पूरे मामले में, पूरे ड्रामे में आप क्या समझते हो? कि ये मैं नहीं पूछूंगी कौन सही था कौन गलत था, मेरे ख्याल से तीनों ही गलत थे, मगर आप क्या समझते हो कि वहां पे क्या गलती हुई और उसमें हमारे सिस्टम ने क्या गलती की है?
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे से मैं ये नहीं कहूँगा कौन गलत है कौन सही है, वो उनका यू नो इट्स इट्स ऑल देयर पर्सनल शिट एज दे वर यू नो ट्रीटिंग देयर देमसेल्व्स कि किस तरह का होगा, या जो भी रिलेशन है जो भी वो मैरिड है या नहीं है। देखें एक चीज, मैं कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा, कैरेक्टर इज समथिंग एल्स, ठीक है। मैंने आई आई वाज सपोर्टिंग उज्मा जस्ट सिर्फ एक पॉइंट पे कि ये जो सिस्टम जिस तरह का उन्होंने किया, घर पे गए, गेट ताक के गए, दरवाजे तोड़ के गए और उनके घर में जाके उनकी चीजें तोड़ी, उनको मारा, ये वाला सिस्टम जो है इसको मैंने सिर्फ इसको सपोर्ट किया था कि ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल कोई भी गार्ड्स के साथ वीडियो ऑन करके आपके घर में घुसेगा, आपको मारेगा, आपकी चीजें तोड़ेगा और चला जाएगा, ठीक है। और बस मैं सिर्फ मेरा ये था इशू, बाकी किसका क्या कैरेक्टर है, कौन किसको कितना यूज कर रहा है, दैट इज समथिंग एल्स, उससे मुझे उससे कोई लेना है देना नहीं है। अभी सुना था कि दे मूव दुबई निकल गए हैं और अभी रिसेंटली जो न्यूज पता लग रही है कि वो सेटलमेंट हो गई है, यू नो इतनी मेहनत करके इतनी आवाम को अपना सपोर्टर बना के, इतने सपोर्टर मतलब इतने लोगों ने सपोर्ट किया कि हम सपोर्ट करेंगे और आपने एंड में आके ये शिट कर दी, तो काफी लोग मतलब दे देखो ऑल आर यूजुअली ऐसे केसेस में जो हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आ जाता है तो वो सेटलमेंट ही होती है। आप जैसे मैं कभी इसकी बिल्कुल आपको तो माइकल जैक्सन था, उसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हुए थे, तो वो ज्यादातर जो एग्जैक्टली साथ जो उसका था तो उन्होंने पैसे दे दिलाकर उन्होंने वो रफा दफा कर दिया। तो बहुत सारा इसी तरह से होता है। यहाँ भी अगर इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, ये तो खैर फिजिकल वायलेंस का केस था, मगर यहाँ पे जैसे आप किसी को सू करते हो या इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो लोग चाहते हैं कि कोर्ट तक ना जाए, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, इसमें ही होता है कि बड़ी बिल्कुल पार्टी करके वो करी। तो एग्जैक्टली हाँ इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। हाँ ये अलग बात थी कि वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के यू नो शायद इस दफा हमारा लॉ कुछ करेगा इसमें, क्योंकि एज मच एज आई वुड लाइक टू से कि हाँ वहाँ लॉ है, मगर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है हाँ वहाँ पे लॉलेसनेस जो है वो है। कोई भी देखो अपने कहीं भी चला जाता है, आए दिन आके किसी को मार देता। आप क्या कहना चाहोगे कि जो लोग ये जो वायलेंस हुआ वहां पर उसको बैठ के कह रहे हैं कि ये ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था? लोग पता उसको बहुत पर्सनली ले रहे हैं कि एक मैरिड लाइफ को खराब कर दिया उस लड़की ने, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उस चीज को लोग बहुत पर्सनली ले रहे हैं कि यार ये वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए ये। मगर देखें बात सिर्फ इतनी है कि अगर बंदा विद नो ऑफेंस, कि अगर बंदा आप अपना लेवल वो रखें कि आप बंदा आपका इंटरेस्ट लूज ना करें, बंदा इंटरेस्ट लूज जो कर गया या कर रहा है उसकी रीजंस होंगी ना। मतलब समटाइम्स मैं देखता हूँ कि शादी से पहले इतना जो आपका लव मैं लव मैरिजेस की अगर बात करूँ तो शादी से पहले वो एक ऑफ माइंड है, शादी के बाद इंटायरली डिफरेंट हो जाता है सब कुछ, वैसा नहीं रह सकता। एक बंदा आपसे दूर है उसके साथ आपकी अफेक्शन, आपका लव, आपका केयर, आपकी चीजें वो बिल्कुल अलग चीज है। अगर आप उसको शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड समझना चाह रहे हैं तो दैट इजंट एट ऑल पॉसिबल, वो बिल्कुल वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, बीवी कुछ और है, गर्लफ्रेंड कुछ और है। तो यहाँ हाँ पे हम यही समझ रहे होते हैं कि जो हम शादी होगी तो वाह खूबसूरत जिंदगी, ठीक है वो जिंदगी खूबसूरत है मगर प्लॉट तरह से खूबसूरत है, उसको हम पहले की तरह देखना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें शादी के बाद भी। एक बंदा जब आपसे दूर था, आप उससे कॉल्स पे या थ्रू सोशल मीडिया बात करते हैं या व्हाट्सएप या वीडियो चैट जो भी, अब वो बंदा 24/7 आपके साथ जुड़ गया, अब उसके साथ उसको बर्दाश्त करना, हैंडल करना बिल्कुल अलग हो गया है, सब कुछ बदल गया।
तो बस ये मैं कह रहा हूँ कि बंदे लोग कह रहे हैं जी बंदा बुरा था, लड़की गोल्ड डिगर थी, जो भी था, दोनों इस सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में ये दो लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो बंदे उस तरह के बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह हाँ की गोल्ड डिगर्स अगर उसको कह रहे हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब देखना ये कि कौन किसकी फ्रिक्वेंसी किसके साथ मिल जाती है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी मिल गई तो इसमें लोग जितना हाइपर और बुरा समझ रहे हैं, केसेस बुरा तो है बहुत मैं समझता हूँ, आते हैं, मगर तो हाईलाइट अपनी हुआ ना मर्जी है सबकी। रिकॉर्डिंग कर ली, इस वजह से वो सबके सामने ले आई। वो केसेस तो बहुत होते हैं, चीटिंग के हाँ बहुत हैं, यहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली तो अब हम आते हैं जरा सा ना, ये जैसे आप लाइव आते होगे, आप अपने यूट्यूब पे हो या फेसबुक पर हो, आपको भी ऐसे कमेंट्स आते हैं जैसे मुझको आते हैं? बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। मुझे कमेंट्स इस तरह के बहुत कम आते हैं, क्योंकि आई टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम है, एज यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आपके पहले किसी का लिहाज ना करना और दस्ती खड़े खड़े चपेड़े करा देना जो 2 टके की बात करे ना उसको। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड को लोग बुरा कहते हैं, मैंने हमेशा देखा है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना उसको लोग मोस्टली बुरे ही कह रहे होते हैं और बकवास कर रहे होते हैं। और इस तरह की जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ व्हेन योर लाइफ एंड यूर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो नीचे पता नहीं क्या बकवासियात और बुलशिट चल रही होती है, बात कुछ और हो रही है, नीचे लिख कुछ और ही रहे हैं कि अच्छा नहीं इस तरह अगर इस तरह कर दो ये। मुझे तब आते हैं जब मैंने ये नोट किया है कि जब मैं किसी चीज पे जरा हार्श होता हूँ और जहां पे डिफरेंस आता है कि लाइक्स और डिसलाइक के, अगर किसी को कोई चीज पसंद है और किसी को नहीं पसंद, तो उसमें दोनों ही लोग चल रहे होते हैं, कुछ मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं कुछ मेरे अगेंस्ट होते हैं, ये मोस्टली होता है। मगर जब मैं बिल्कुल बाइस्ड लेवल पे जाता हूँ तब मुझे थोड़े से ऑफ कमेंट्स आते हैं, मगर बहुत ज्यादा नहीं आते, यू नो। आई थिंक मेरे ख्याल से लड़कियां जो हैं वो थोड़ा ज्यादा अब्यूज होती हैं, कि यही नहीं कि सिर्फ उनको गालियां भी हाँ पड़ रही हैं, हम लोगों को आके ये बोल रहे होते हैं ये दिखाओ। और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, काफी सारी लड़कियां जो मेकअप ट्यूटोरियल्स कर रही होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या कुछ और, बिल्कुल तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे माशरे में आप हमारे माशरे में कोई किस्म की सेक्सुअल एजुकेशन तो दी नहीं जाती है, राइट? और अगर हम कह देते हैं कि सेक्स, तो लोगों के यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, हाय देखो कितनी बेइज्जती हो कहते हैं पता नहीं क्या कह दिया एक लड़की ने, हाँ। ये हाँ एक लड़की ने ये लफ्ज कैसे यूज कर दिया। मगर करने के लिए सब तैयार हैं, एक यानी सॉरी टू जा हाँ हाँ रही हाँ है, खुद को नहीं छोड़ते। बिल्कुल एग्री विद यू, करने के लिए सब तैयार है। हाँ फ्रस्ट्रेशन हमारी आवाम में क्यों है? यानी मैं नहीं कहती कि सारे ही लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, मगर ये जो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है, बिल्कुल व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन? की ये कहाँ से है, क्यों है? एग्जैक्ट ऐसे ही है कि तो क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोम, ये इंस्टिंक्ट है, यू नो ये बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, यू नो कि इमोशन डेवलप होना, हम बस उसको थोड़ा सा टैबू, और हमेशा से ये वाली चीज यहाँ पे टैबू ही ली जाती है कि ये टैबू है, यू नो यहाँ पे इसको इसी तरह रखा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स किया जाता है मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे कि इस तरह नहीं करना, लड़की को नहीं देखना, उससे दूर रहना, लड़की लड़की लड़का लड़की लड़का, वो लड़की लड़का करके ना, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन एक तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है, और ऊपर से सोसाइटी में देख देख कि लड़की को यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक रिलेशन को सेक्स को और पूरी चीज को टैबू समझा गया है और टैबू बना दिया है हमारी सोसाइटी में। पहली बात तो ये कि कोई एजुकेशन नहीं है इससे रिलेटेड, बाकी हम सब कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे ये भी सीख लें, बच्चे मैनर्स भी सीख लें,
मगर जहां तक जब बात आती है इस चीज की व्हाट इज सेक्सुअलिटी एंड दिस एंड दैट, वहां पे आके हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हम कहते हैं कि इसकी बात ही नहीं की जाए, ये मैं थोड़ी आवाज कट रही है। हमारे टीन एज से लेके बच्चे जो देख रहे होते हैं, और मैंने मुझसे देखा है कि इनके हालात किसी हद तक ठीक हो जाते हैं, हैविंग ट्रबल कनेक्टिंग हाँ, थोड़ी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। बी बेटर नाउ। यो। हाँ, तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में जो हम देखते हैं बचपन से देखते आते हैं, तो मैं वही कह रहा था जो कोएड में पढ़ रहे होते हैं उनके हालात ठीक रहते हैं कुछ, यू नो, डीलिंग विद द अदर सेक्स, यानी कि लड़कियां या लड़के या लड़के या लड़कियां आपस में, उनका जो इंट्रैक्शन जब होता है, मतलब बड़ी फाउंडेशन एज में ही, उस एज में, टीन एज में, तो उनकी सिचुएशन काफी डिफरेंट होती है अदर देन जिनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है लड़की से या लड़की बॉय से, तो उनके लिए वो एक वो टैबू ही है कि ये पता नहीं एक बॉय के साथ हाथ मिलाना या उसके बात करना या उसके साथ बैठना, अल्लाह माफ करे कुछ हो ही ना जाए, कहीं बैठे बैठे कुछ ना कर दे बॉय, यू नो, कि सिर्फ बैठे रहने से बात करने से कोई अजीब सी हरकत ना हो जाए, ये वो, तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी का इशू है, क्योंकि ना हमने कभी बच्चों को बताया है ना हम बताने की हिम्मत, कि सब ये चीज या तो वो अकेला सीखे, एक्सपीरियंस से सीखे, दोस्तों से सीखे, इंटरनेट चले अब आ गया इंटरनेट चलो है, इंटरनेट से सीखे, ये एक एजुकेशन वो खुद ले, बाकी दुनिया की सारी एजुकेशन हमने उसको कर दी। ना, पॉर्न देख देख के बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं वो हाँ, वीपीएन। पॉर्न देख देख के पॉर्न देख के सब आ जाता है इनको कि हाँ हम PhD कर ली हमने, यू नो। वो नोमान एजाज है ना, उनसे एक्चुअली मैं मिली भी थी पाकिस्तान, तक गई थी उनके साथ, एक छोटा सा मैंने ड्रामे में सीन भी किया। तो उनका ये स्टेटमेंट था कि हमारी जो आवाम है वो एक्चुअली इंटरनेट के लिए रेडी नहीं थी। और ये मैं भी कहती हूँ कि जब आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, जब गंजे को आप नाखून दे देते हो ना, तो अपनी गंध खुजा लेते हो, उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। हाँ, आई थिंक हमारी जो आवाम है वो इंटरनेट के लिए वाकई में रेडी नहीं थी। उनके उनको पूरी दुनिया देखनी शुरू हो गई उन्होंने, यानी अपनी, बिल्कुल कि उन्होंने अपनी पड़ोसन की लड़की को नहीं देखा होता, यहाँ पे बिकिनीज में लड़कियां हैं, पॉर्न दिख रही है, पागल ओ हो गए, शिट, समझ हाँ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इसी इसी वजह से जिस तरीके के कॉमेंट अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी गालियां पढ़ रही हैं, वो तो ऐसा लगता है कि ये लोग जब तक गालियां नहीं देते, इनका खाना नहीं हजम होता है। आई लिटरली थिंक दैट। तो व्हाट डू यू थिंक कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए एग्जैक्टली हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, लोगों को सिखाया जाए कि भाई इंटरनेट की तहजीब होता है, यानी तमीज क्या होती है, हाउ यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ। क्योंकि जब आप यहाँ लिख तो रहे होते हो और लोग ट्रांसलेट करके रीड कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया देख रही है आपकी वो कॉमेंट्स, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल में कौन बिल्कुल है, तो उससे किसका नाम बर्बाद होता है, ऐसे तो मुल्क का नाम बर्बाद होता है। बिल्कुल वही मैं देखता हूं कि लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं और इतने इतने एक लाइक आपका नेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक हो गया। सोचता हूँ, हाँ, इतने मतलब बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, और मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एक लड़की को कमेंट किया है, देखा है सर भाई भाई का सीन है, जिगर भाई ने ऐसा कमेंट मारा उसको गंदा सा, ये खुशी है इनकी, ये उनकी अचीवमेंट है, रात सोने से पहले कहते हैं ओफ मैंने तो आज ना ऐसी ऐसी बात लिख दी बगैर डरे, और वैसे अगर आप इनको एज यू डिड दैट डे, यू नो, कि जो भी बॉय ने कहा कि लेट्स टॉक ना मुझे मैं बात, तो जैसे ही वीडियो ऑन हुई साले ने अंधेरा कर दिया और छुप गया, रिटार्ड का बच्चा गायब हो गया, आया ही नहीं सामने, यू नो, यू सेड कि हाँ लाइट जलाओ, ये तो इनकी हालत है, ये तो इनकी औकात है।
इन्होंने क्या किसी को फेस करना है, ये डरे हुए मतलब साइको कॉल पे लेने की कोशिश करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल पे नहीं आते हैं ये लोग, क्योंकि देखो वही होता है ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है मगर मुंह पे आके बात नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी पीछे बैठी है, अगर हम सुन लिया मम्मी ने तो वहीं से चप्पल आनी है, दैट्स द होल थिंग। और एक अपना ये परसोना बना लेते हैं ना विद बिहाइंड द सीन का, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बाहर देखो निकलता है। तो ओके it has been half an hour, mujhko actually jana bhi hai magar it was so nice talking to you. Okay, bolna chahoge ya Emily, thank you so much, gana ga do thoda sa, to that would be awesome for our show. Okay, chalte chalte mere geet yaad rakhna, kabhi alvida na kehna, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू मैली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वॉज माय, यू कैन से आई एम योर फैन literally, you know, I had a crush on you way back when I was bahut purani baat bata, so thank you so much for inviting me, so nice of you, I enjoyed, thank you so much, take care Tehseen, bye-bye, bye, take care, bye-bye. Yes. All right guys, so ye the Tehseen, he's from Pakistan, Lahore. And it was really nice to talk to him and I enjoyed it. और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं और भी लोगों को लेकर आऊँ अपने शो पर, तो आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अनदर आर्टिस्ट जो एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है था, एंड यानी फॉर मी ही इज स्टिल अ बिग आर्टिस्ट, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया है कि अगर वो आकर हमारे साथ शो करें इट वुड बी अमेजिंग, सो जस्ट कीप एन आई, मैं पोस्ट करती रहूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी कि वो कब होगा कब होगा वो शो। मेरी आज तबीयत जरा थोड़ी सी नासाज है, यू नो आई हैव गॉट फोन कॉल्स वगैरह भी आ रही है मेरे पास, तो आई एम जस्ट गोना से के दैट इज इट फॉर टुडे, मैं किसी को कॉल पे नहीं ले रही हूँ आज, आज ये शो था, ये हमारे गेस्ट थे, ये कॉलर नहीं थे जो सिर्फ ऐसे ही आ गए थे, और एंड पे मैं यही बोलूंगी जो लोग गंदे कॉमेंट कर रहे थे, तुम लोगों का खुदा करे तुम लोगों की गांड में एक डंडा देते, बस। Thank you so much, guys. I love you all. Bye-bye.